हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माय चैनल पॉवर टेक हेल्प आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ बी फार्मा फर्स्ट सेमेस्टर फार्मास्यूटिक सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन के बारे में आज मैं बहुत दिनों के बाद ये वीडियो अपलोड कर रहा हूँ क्योंकि एग्जामिनेशन अब तो आ गए एग्जामिनेशन के डेट भी आ गए हैं और आप लोग एग्जाम के लिए प्रिपरेशन भी कर रहे होंगे तो इसके लिए मैं आप लोग को बहुत ही मतलब जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको मैं यहाँ पे सिर्फ क्वेश्चन बताऊँगा यूनिट फर्स्ट फर्स्ट से लेकर के यूनिट फाइव तक जो कि ये जो फार्मास्यूटिक्स सब्जेक्ट है इसमें फाइव यूनिट है वन से लेकर फाइव तक तो उसके क्वेश्चन के बारे में आज डिस्कस करेंगे तो आप यहाँ से देख सकते हैं जो फर्स्ट यूनिट के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पर फर्स्ट नंबर राइट डिटेल नोट ऑन हिस्टोरी ऑफ फार्मेसी इन इंडिया यानी कि एक नोट लिखना है किसके हिस्टोरी ऑफ फार्मेसी इन इंडिया पर एक नोट लिखना है आपको जो सेकेंड नंबर क्वेश्चन है कि डिफाइन फार्माकोपिया और मोनोग्राफ यानी फार्माकोपिया को डिफाइन करना है 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 और उसको उसके उसके मोनोग्राफ के बारे में बताना है। जो उसके जो नेक्स्ट बाद थर्ड नंबर क्वेश्चन राइट एंड नोट ऑन आईपी एंड डिस्क्राइब इट्स हिस्ट्री यानी आईपी का मतलब आपको बता दूं कि इंडियन फार्माकोपिया होगा तो इस पर एक नोट लिखना है इंडियन फार्माकोपिया क्या होता है और डिस्क्राइब इट्स हिस्टोरी यानी इसके हिस्ट्री के बारे में बताना है अब जो आप यहाँ पे देख सकते हैं फोर्थ नंबर जो क्वेश्चन है राइट right, व्हाट इज प्रिस्क्रिप्शन यानी प्रिस्क्रिप्शन क्या होता है एक्सप्लेन वेरियस पार्ट ऑफ प्रिस्क्रिप्शन इन डिटेल यानी कि इसके जो भी वेरियस पार्ट्स होते हैं उनके बारे में डिटेल्स यहाँ पे नोट्स लिखना है ठीक है उसके बाद जो फाइव नंबर क्वेश्चन है व्हाट डू यू मीन बाय डोजिज फॉर्म डोजेज फॉर्म क्या होता है इसके बारे में डिटेल आपको बताना है फिर जो सिक्स नंबर क्वेश्चन है डिफाइन पोसोलॉजी एंड डिस्कस वेरियस फैक्टर अफेक्टिंग पोसोलॉजी यानी पोसोलॉजी को डिफाइन करना है उसके जो फैक्टर अफेक्टिंग होते हैं उसको भी आपको यहाँ पे क्या करना है उसके डिस्कस करना है उसके बारे में और जो सेवन्थ जो लास्ट सेवन नंबर क्वेश्चन है डिफाइनिंग लेक्जर लिनी लिनीमेंट जेल सिरप एक्सेट्रा मतलब ये सब जो शॉर्ट क्वेश्चन इस तरीके के आपको डिफाइन करने के लिए ऐसे आ सकता है जैसे आपको यानी अब मैं सेकेंड यूनिट की बात करूँ तो यहाँ पर देख सकते हैं जो सेकेंड यूनिट का मोस्ट इम्पॉर्टेंट यहाँ पे सेवंथ क्वेश्चन है जो फर्स्ट क्वेश्चन है वाट डू यू मीन बाई आइसोटोनिक सोलूशन यानी आइसोटोनिक सोल्यूशन क्या होता है उसके बारे में बताना है जो सेकंड नंबर में व्हाट इज डस्टिंग पाउडर डस्टिंग पाउडर क्या होता है जो थर्ड नंबर क्वेश्चन है राइट इन डिटेल अबाउट इफरवसट इफ्लोरसेंट पाउडर यानी इफरवसेंट पाउडर क्या होता है और इफ्लोरसेंट पाउडर क्या होता है विद एग्जांपल यानी उसके डेफिनेशन भी बताना है और उसके बाद उसके एग्जाम्पल को भी बताना है जो फोर्थ नंबर क्वेश्चन है डिफाइन इंसफ्लेशन इंसफ्लेशन क्या होता है जो फाइव नंबर क्वेश्चन है क्लासीफाई लिक्विड डोजे फॉर्म एंड ऑल्सो राइट एडवांटेज एंड डिसएडवाटेज यानी क्लासीफाई करना है डोजेस फॉर्म को क्लासीफाई करना है और उसके एडवांटेज और डिसएडवाटेज को बताना है जो सिक्स नंबर क्वेश्चन है शॉर्ट नोट ऑन एंटी ऑक्सीडेंट एंड प्रिजरेटिव विद एग्जाम्पल यानी एंटी ऑक्सीडेंट क्या होता है और प्रिजरेटिव क्या होता है उसके डिफाइन करना है और उसके बाद एग्जाम्पल उसको लिखना है ठीक है इस पर मतलब शॉर्ट नोट आपको नोट बनाना है जो सेवन्थ नंबर क्वेश्चन है डिफाइन एंड hy डेक्यूसेंट पाउडर यानी ये क्या होता है हाइग्रोस्कोपिक क्या होता है और डेलीक्यूशन पाउडर क्या होता है ठीक है इसको डिफाइन करना है और उसके बाद जो थर्ड यूनिट है आप यहाँ पे देख सकते हैं जो थर्ड यूनिट का यहाँ पे क्वेश्चन ये यह जो थर्ड यूनिट है इसमें वन से लेकर सेवन यानी सेवन मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है जो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है व्हाट डू यू मीन बाय इमल्सिफाइंग एजेंट गिव्स एग्जाम्पल यानी इमल्सिफाइंग एजेंट क्या होता है और उसके एग्जाम्पल को बताना है डिफाइन सस्पेंशन और इमल्सन विद एग्जाम्पल यानी सस्पेंशन और को बताना है, डिफाइन करना है और उसके एग्जाम्पल को बताना है फिर जो थर्ड नंबर क्वेश्चन है डिस्कस वेरियस टेस्ट फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ इमल्सन यानी वेरियस टेस्ट जो होते हैं आप यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन तो देख सकते हैं कि डिस्कस वेरियस टेस्ट फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ ह्यूमन ये आपको बता दिया अब जो फोर्थ क्वेश्चन है डिफाइन सरफेटेंट एंड वेटिंग एजेंट विद एग्जांपल यानी सरफेक्टेंट क्या होता है और वेटिंग एजेंट क्या होता है उसके एग्जाम्पल को बताना है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फ्लोकुलेटेड एंड डी सस्पेंशन यानी फ्लूकुलेटेड सस्पेंशन और डी सस्पेंशन में क्या करना है आपको डिफरेंस बताना है जो सिक्स नंबर क्वेश्चन है राइट एंड नोट ऑन स्टेबिलिटी ऑफ इमल्सन एंड हाउ ओवरकम स्टेबिलिटी प्रॉब्लम यानी स्टेबिलिटी इमल्सन पे नोट बनाना है और यह कैम कैसे स्टेबिलिटी प्रॉब्लम होता है उसके बारे में बताना है ठीक है डिफ्रेंशियट गर्गल्स एंड माउथ वास क्या होते हैं इन दोनों में डिफरेंस बताना है जो फोर्थ यूनिट है आप यहां पे देख सकते हैं डिफाइन सपोर्टरी क्या होता है विद एक्सलिपोज्री क्या होता है उसके एग्जाम्पल को बताना है जो सेकंड नंबर क्वेश्चन है व्हाट इज फार्मास्यूटिकल इनकोपेबिलिटी एंड इट्स टाइप यानी इकॉम्पेबिबिलिटी क्या होता है और उसके टाइप्स को बताना है ठीक है व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट वैल्यू यानी थर्ड नंबर डिस्प्लेसमेंट वैल्यू क्या होता है उसको बताना है और जो फोर्थ नंबर क्वेश्चन है डिस्कस अबाउट टाइप्स ऑफ सपोट्री बेस यानी डिस्कस करना है जो सपोट्री के बेस होते हैं उसके टाइप्स के बारे में फिर जो फाइव नंबर क्वेश्चन है डिफाइन सिनर्जिसम एंटागोनिज्म इफेक्ट विद एग्जाम्पल यानी एग्जाम्पल के साथ ये डिफाइन करना है सीनर्जिस्म और एंटागोनिज्म को और जो सिक्स नंबर क्वेश्चन है वाट आर पेसरीज पेसरीज क्या होता है जो सेवन्थ नंबर क्वेश्चन है एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ सपोजटरी के एडवांटेज और डिसएडवांटेज को बताना है जो उसके बाद आपको लास्ट में यूनिट की बात करूँ यूनिट फाइव की तो यहाँ पे देख सकते हैं वाट आर द सेमी सॉलिड ओजेज फॉर्म क्या होता तो है उसको क्लासिफाई करना है और यहाँ पे देख सकते हैं जो सेकंड नंबर डिस्कस वेरियस फैक्टर अफेक्टिंग स्किन पेनीट्रेशन के बारे में इसके जो फैक्टर अफेक्टिंग होते हैं उसको बताना है जो थर्ड नंबर क्वेश्चन है जेल्स और क्रीम को डिफाइन करना है और उसके बाद जो फोर्थ नंबर है डिस्कस द वेरियस मेथड ऑफ़ प्रिपरेशन ऑफ ऑइंटमेंट्स के और पेस्ट यानी ऑइंटमेंट्स और पेस्ट के प्रिपरेशन मेथड्स को बताना है और जो फाइव नंबर क्वेश्चन क्लासीफाई सेमी सॉलिड बेस एंड देयर सिलेक्शन यानी सेमी सॉलिड बेस के क्लासीफाई करना है उसके मतलब उसके सेक्शन को क्लासीफाई करना है जो सिक्स नंबर क्वेश्चन है डिफरेंस बिटवीन पेस्ट एंड ऑइंटमेंट्स में डिफरेंस बताना है जो सेवन्थ नंबर क्वेश्चन है डिस्कस अबाउट इवोल्यूशन ऑफ सेमी सॉलिड ओजेज फॉर्म तो ये था वन से लेकर सेवन क्वेश्चन ये यूनिट फाइव का तो आप समझ गए होंगे कि ये फार्मास्यूटिक जब सब्जेक्ट बी फार्मा फर्स्ट सेमेस्टर के वन से लेकर फाइव यूनिट के ये सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप अगर इतने ये सारे मतलब क्वेश्चन की तैयारी कर लेते हैं तो आप अपने एग्जाम को आसानी से क्वालिफाई कर सकते हैं ये बहुत ही मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ठीक है थैंक यू दोस्तों इफ़ यू अंडरस्टैंड दिस वीडियो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो